नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों के संक्षिप्त सार को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्य श्लोकों का वर्णन करके उन श्लोकों का अर्थ आपको बताते हैं, उनका शब्दार्थ बताते हैं, भावार्थ बताते हैं, उनकी व्याख्या बताते हैं, किस प्रकार से उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो क्यों आवश्यक है, और प्रेजेंट सिनेरियो में किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो उपयोगी है। इन सब विषयों को लेकर के हम निरंतर आपके समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम गीता के श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय जिसका नाम है आत्म संयम योग, उसका सार प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके कुछ श्लोकों का सार हम प्रस्तुत कर चुके हैं, बाकी का सार आज हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें सबसे मुख्य जो श्लोक है जिसका आज हम वर्णन करने वाले हैं, उसमें युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मशु युक्त सौपन बोधस्य योगी भवति दुखहा, ये 17वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वें श्लोक को भी देखेंगे तो उसमें भी है, नात्यस्तु योगिनस्ति न च क्रांत भरत च न चाति सौपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनः। ये दोनों श्लोक हैं। इसके साथ साथ यदि हम तीसरे श्लोक को भी देखें जो 18वां श्लोक है, उसमें है यदा विनियतम चित्त आत्म ये वावितिष्ठते निस्सप्रह सर्व कामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तदा। ये तीन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मुख्य रूप से आपने जो युक्त आहार विहार से श्लोक है बहुत सुना होगा, जो 17वां श्लोक जो मैंने पहले जिसके बारे में कहा, और फिर 16वां और फिर 18वां मैंने कहा। तो तीनों श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें योगी का आहार विहार कैसा हो, इस सब के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए इनके शब्दार्थ को और इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। कहा अर्जुन, हे अर्जुन, तू अधिक भोजन करने वाले की तो योग समाधि, योग यानी कि समाधि, न अस्ति, नहीं लगती। एकांतम, बिल्कुल भी जो भोजन नहीं करता है, नहीं खाते, ऐसे की भी समाधि नहीं लगती। अति सौपनशीलस्य, जो बहुत अधिक सोते हैं, न समाधि, उनकी भी समाधि नहीं लगती है। जागृत एव च, और अधिक जागने वाले की भी न समाधि नहीं लगती है। तो कहा कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है उसकी भी समाधि नहीं लगती, जो बहुत कम खाता है उसकी भी समाधि नहीं लगती, माने उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। समाधि का अर्थ यहाँ योग से लिया गया है। और कहा कि जो बहुत ज्यादा सोता है उसकी भी समाधि नहीं लगती, और जो बहुत अधिक जागता है उसकी भी समाधि नहीं लगती। तो ना ज्यादा खाने वाले की समाधि लगती है, और ना बहुत ही कम खाने वाले की समाधि लगती है, ना बहुत ज्यादा सोने वाले की समाधि लगती है, और ना ही बहुत जागने वाले की समाधि लगती है। मतलब यहाँ पे एक जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं लोग, किसी भी काम में एक्सट्रीमिस्ट हों, या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि योग करने में बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो एक्सट्रीम में योग करते हैं, एक्सट्रीम में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका शरीर जो है दुर्बल हो जाता है, उनका जो शरीर है पतला, अत्यधिक पतला पड़ जाता है, और उनके शरीर में रुग्णता कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आती है। तो वो अति करने का नतीजा है। कहा ना अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अधिकता हमेशा जो है वो वर्जित होती है, नहीं करनी चाहिए वो किसी भी काम की हो अधिकता। यदि अधिक मात्रा में चैरिटी भी आप करेंगे तो फिर अपना परिवार या अपना व्यक्तिगत जो काम है वो आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए कहा अति कभी नहीं करनी चाहिए, एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, ये हमेशा कहा गया है। तो उसके बाद कहा कि फिर किसकी लगती है, तो कहा युक्त आहार विहार से, जिसका आहार और व्यवहार व्यवस्थित है। कर्मशु युक्त चेष्ट से, कर्मों की व्यवस्थित रूप में करने के लिए जो प्रयत्नशील रहता है, जो कर्मों को करने में को व्यवस्थित रूप से करने में प्रयत्नशील रहता है। युक्त सौपन बोधस्य, जिसका सोना व जागना व्यवस्थित है, मतलब समय पे सोता है और समय पे जागता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जो सुबह रात को जल्दी सोएगा वो सुबह जल्दी उठेगा, इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और रात्रि होते ही वो सो जाएगा। और सोने के लिए क्या चाहिए, सोने के लिए समय पे आहार होना चाहिए। आज हमारी जो लाइफस्टाइल है हमने उसको बर्बाद किया है। इसके पीछे जितने आज रोग हैं, जितनी आज तनाव है, जितनी आज समस्याएं जो दर्द से लोग गुजर रहे हैं, उसके पीछे देखिए कोई भी व्यक्ति अलग से कोई कारण नहीं है, व्यक्ति स्वयं उसका कारण है। हमने अपने आहार को खराब कर लिया, दूषित कर लिया, जंक फूड पे हम आ गए, डिब्बाबंद चीजों पे हम आ गए, जो फास्ट फूड है उस पे हम आ गए। उसके बाद वो फूड जो है जैसा भी है उसको खाने का समय हमारा खराब हो गया। यदि आप रात के 10 बजे डिनर कर रहे हो तो वो कितने बजे डाइजेस्ट होगा, कितने बजे आप सोएंगे, तो
आयुर्वेद कहता है कि कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, डिनर हो जाना चाहिए। अब यदि आपका डिनर 10 बजे हुआ तो 12 बजे आप कम से कम आपको सोना चाहिए, तब जाकर के ठीक तरह से आप सो पाएंगे। यदि आप 10-12 बजे सोएंगे तो कैसे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए कहा कि हमारा जो आहार का लेने का समय है वो भी दूषित कर दिया हमने, डिस्टर्ब कर दिया, और हम रातों की शादियां, रातों की पार्टियां आजकल बहुत होती हैं तो उसमें जाते हैं, देर रात तक खाना पीना ये रहता है, तो जो शरीर का जो पाचन तंत्र है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होता है, और उसके अव्यवस्थित होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अव्यवस्थित यदि होता है तो आपका बाकी के जितने सिस्टम हैं अव्यवस्थित होते हैं, फ्रेश अच्छे से नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज, ये और रोगों को पैदा करने का काम करता है। इसलिए हमने खुद ये व्यवस्था चुनी है जिसकी, जिससे हम आज दुखी हैं, जिसमें चेंज कर लेगा वो सुखी रहेगा। तो कहा दुखहा भवति, दुखों को दूर करने वाला यह है योग, योग उसी का सिद्ध होता है। तो कहा यदा जब विनियतम, विशेष रूप से संयमित किया हुआ चित्त आत्मनि एव, आत्मा में ही अवतिष्ठते, स्थित हो जाता है, तदा सर्व काम्येभ्यो, सभी कामनाओं की निष्प्रह, लालसा से रहित, युक्त, योग युक्त अथवा योगी इति उच्चते कहलाता है। तो जब व्यक्ति सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार की लालसाएं रहित हो जाती हैं, लालसा छूट जाती हैं, तो वह व्यक्ति योग से युक्त होता है। योग से युक्त होने का मतलब है उसका योग सिद्ध हो गया, उसी को हम योगी कहते हैं। अब इसके व्याख्या को हम जान लेते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए सारी चीजें। तो कहा हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, तथा न तो यह योग बहुत अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है और न ही बहुत अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। तो जो बहुत ज्यादा सोते हैं, तम गुण जिनमें बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है, उनका भी योग सिद्ध नहीं हो सकता, उनको भी योग में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो व्यक्ति बहुत अधिक जागते हैं यानी कि कम सोते हैं, उन व्यक्तियों का भी योग सिद्ध नहीं होगा। आजकल एक लोगों को ये भी लगता है कि हमें 3 बजे 4 बजे उठना चाहिए, और यदि वो 12-1 बजे भी सो रहे हैं तो 3 से 4 बजे उठने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करते भी हैं बहुत सारे लोग, और वो सक्सेस भी होते हैं इसके करने में, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो कर पाते हैं। लेकिन यदि आप 1 बजे सो करके 3 से 4 बजे उठेंगे या 12 बजे सो करके 3 से 4 बजे उठेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी नींद तो पूरी नहीं होगी, आपकी बॉडी को रेस्ट तो मिलेगा नहीं। अब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगी, हो सकता है आज ना करे, 2 महीने तक आपको ऐसे चलता रहे, कोई आपको प्रॉब्लम फील ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। लेकिन लंबे समय तक जब आप ऐसी अव्यवस्था अपने साथ रखोगे, अपने अपने शरीर के साथ रखोगे, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो एकदम से भयानक आपको नींद के भयानक झटके आना शुरू होंगे, या आपको थकान रहना शुरू हो जाएगी, या आप में आलस्य ज्यादा रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नींद का काम तो नींद से ही पूरा होगा। तो नींद का काम भोजन से पूरा नहीं हो सकता, नींद का काम और कुछ काम से पूरा नहीं हो सकता। जैसे खाने का जो काम है वो खाने से ही चलेगा, एनर्जी बॉडी में खाने से ही आएगी, सोने से बॉडी को रेस्ट मिलता है लेकिन एनर्जी फूड से मिलती है, तो फूड का काम नींद नहीं कर सकती और नींद का काम फूड नहीं कर सकता। इसलिए हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक जागना या बहुत अधिक सोना हमारे लिए हितकर नहीं है, ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। फिर कहा किसका योग सिद्ध होता है, कहा जिसका आहार विहार नियमित है, मतलब जो सदा भोजन व्यवहार करने में अनुशासित रहता है, मतलब सुबह उठ करके जिसका ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, जो भी है वो व्यवस्थित है, समय पे है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 9 बजे खाता तो 9 बजे ही हो, मतलब हो सकता है आधा एक घंटा आगे पीछे हो जाए, बट नियमित है कि भाई ये इस समय पे मुझे भोजन लेना है, इस प्रकार का भोजन लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना, तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। और वो यदि आपका अच्छा है, वो यानी कि सुबह जल्दी आप भोजन ले रहे हैं, रात को आप जल्दी भोजन ले रहे हैं, पूरा जो आपकी रात्रि शुरू होने से पहले ही आप भोजन ले लेते हैं, सोने से 2 घंटे पहले भोजन आप ले लेते हैं, तो वो भोजन आपको अच्छा रिफ्लेक्ट करता है बॉडी में। उसके बाद कहा व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, अनुशासित व्यवहार होना चाहिए। अनुशासित जब व्यवहार होता है तो व्यक्ति सदा, देखिए व्यवहार अनुशासित होना क्यों आवश्यक है, अब हम कहें कि हम यहां से गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो लाइन में क्यों चलने के लिए कहते हैं,
आपकी लेफ्ट लेफ्ट लाइन है तो आप लेफ्ट में चलेंगे, राइट है तो राइट में आप चलेंगे। यदि आप लेफ्ट की बजाय राइट में चलेंगे और लेफ्ट राइट की बजाय लेफ्ट में चलेंगे तो अव्यवस्था होगी, या आप रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे और सीधे चलेंगे, या ग्रीन लाइट पे आप चलेंगे नहीं रुके रहेंगे तो अव्यवस्था होगी। तो ये नियम जो है, अनुशासन जो है, वो हमारी बेहतरी के लिए है, वो हमारे अच्छे के लिए है, वो हमारी सुगमता के लिए होता है, ना कि हमें बांधने के लिए नहीं होता। वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी प्रकार की, वो बाधा नहीं है। तो कहा कि जब हम अनुशासित होकर के पूरा व्यवहार करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं पूरे दिन भर, और कर्मों को करने में जिसकी चेष्टा नियमित है, अर्थात जो सभी कर्मों को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करता है, प्रयत्नशील रहता है, कोशिश करता रहता है, जो समय पर सोता है और समय पर जागता है, केवल उसी व्यक्ति, उसी अनुशासित व्यक्ति का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो योग को क्या कहा? दुखों का नाश करने वाला। तो ये जो योग है वो दुखों का नाश करता है। तो दुखों का नाश किसे नहीं चाहिए? सब व्यक्ति चाहते हैं कि केवल सुख की प्राप्ति हो, लेकिन वो मिलती दिखाई नहीं देती क्योंकि उसके ऊपर हम प्रयास नहीं करते। जैसे ही हम दृष्टिपात करते हैं कि हमारे संपूर्ण दुख कैसे दूर हो सकते हैं, हमारी सारी तकलीफें कैसे दूर हो सकती हैं, तो एक ही मार्ग हमें सूझता है और वो है योग का मार्ग। क्योंकि योग का मार्ग ही ऐसा है जो संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है और पूर्ण रूप से सुख को प्रदान करने वाला। तो पूर्ण रूपेण सुख जिसको चाहिए वो योग के मार्ग को अपनाए। और योग सिद्ध किसका होगा? जिसका आहार विहार नियमित है, जो सदा भोजन व्यवहार करने में अनुशासित रहता है, कर्मों को जिसकी करने में जिसकी चेष्टा नियमित है, यानी कि अपने कामों को व्यवस्थित रूप से करता है, जो समय पर सोता जागता है, उसी का ये अनुशासित व्यक्ति का है दुखों को दूर करने वाला जो योग है वो सिद्ध होता है। आगे क्या कहा? इस प्रकार जब विशेष रूप से संयमित किया गया चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह योगी सभी प्रकार की कामनाओं व लालसाओं से मुक्त होकर योग युक्त हो जाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। ऐसे योगी को ही पूर्ण रूपेण सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो हमारा आगे वाला जो श्लोक है 19वां, इसमें कहा यथा दीपो निवातस्थो नेगंते सोमपा स्मृता योगिनो यत चेतस्य युञ्जतो योग आत्मनः। इसका अर्थ हम शब्दार्थ देखते हैं पहले। यथा, जिस प्रकार निवासतो, वायु से रहित स्थान में रखा दीपक या दिया न इंगते, विचलित अथवा हिलता नहीं है, आत्मनः स्वयं पर अधिकार अथवा नियंत्रण रखने वाला योग युञ्जत योग से युक्त अभ्यासी यत चेतस्य जिसका अंतकरण संयमित है योगिन है योगी का सा वह उपमा समान स्मृता समझना चाहिए। अब इसको व्याख्या के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि जिस प्रकार वायु से रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की ज्योति अर्थात लो निश्चल होती है, वो वैसे ही निश्चल अथवा स्थिर अवस्था संयमित चित्त वाले योगी साधक की हो जाती है, अर्थात अपने चित्त को संयमित किया हुआ योगी भी उस लोक की भांति ही निश्चल अथवा स्थिर हो जाता है। एक बंद कमरा है, उसमें आप दीपक को जला करके रख दीजिए, मोमबत्ती को आप जला के रख दीजिए, तो वो जो लोह है वो हिलेगी नहीं, क्योंकि उस कमरे में, उस बंद कमरे में वायु का प्रवाह नहीं है, क्योंकि वो वायु से रहित स्थान है। वायु से रहित का मतलब आप ये ना समझें कि वायु है ही नहीं, वायु तो हर जगह मौजूद होती है, वायु का फ्लो नहीं है, वायु का जो प्रवाह है वो नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है। अब जिससे हम इस रूम में बैठ करके लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, हवा का आना जाना यहाँ पे सुगम नहीं है, तो यहाँ पे इस स्थान को हम कह सकते हैं वायु से रहित। तो वायु से रहित स्थान का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे वायु हो ही ना, मतलब वायु रहित स्थान का अर्थ है जहाँ पे वायु का आवागमन, उसका जो प्रवाह है, जो उसका संचालन है, वो ना हो रहा हो, रुकी हुई हो, तो रुकी हुई वायु कभी भी लो को डिस्टर्ब नहीं करती, ज्योति को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक उसी प्रकार जब एक संयमित चित्त वाला योगी साधक अपने चित्त को संयमित कर लेता है तो वो भी निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार से बिना हवा के बिना वायु के जो दीपक की जो लो है वो नहीं हिलती, वो स्थिर रहती है और एक ही दिशा में वो बहती रहती है, बिना डिस्टर्ब हो, बिना हिले डुले। ऐसे ही संयमित चित्त वाला कोई साधक होता है, व्यक्ति होता है, योगी होता है, वो अपने चित्त को संयमित करके इसी प्रकार स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है,
किसी प्रकार का उसमें विक्षोभ नहीं आता, किसी प्रकार की उद्विग्नता उसमें नहीं आती, किसी प्रकार का दूसरा भाव या चंचलता का भाव उसके भीतर नहीं आता और ऐसे सतगुणी व्यक्ति का ही ध्यान सिद्ध होता है, ऐसे ही व्यक्ति का योग सिद्ध होता है। इसके बाद जो 20वां श्लोक है उसमें कहा, यत्रो परमतेः चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मना मात्मनम पश्यन्त आत्मनि तुष्यति। इसमें क्या कहा है? कहा यत्र, जब योग सेवया, योग साधना के द्वारा निरुद्ध चित्त, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से उपरमते साधक विरक्त हो जाता है, यत्र च है, और जब आत्मनः संयमित अंतकरण से आत्मानम आत्मा को पश्यन देखते हुए, आत्मनि एव तुष्यति ही, आत्मा में ही, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तो यह कहा कि जब योग साधक साधना में अपनी सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है, जो कि सतगुण के पैदा होने से आता है, चित्त की जो सभी वृत्तियां हैं वो निरोध तब होती हैं जब सतगुण से भी विरक्ति व्यक्ति को आ जाती है और सतगुण में अधिक समय तक वो व्यक्ति लगा रहता है। कहा तब उसके चित्त की चंचलता भी नष्ट हो जाती है। और चित्त की चंचलता नष्ट क्यों होती है? क्योंकि चित्त की चंचलता तब तक रहती है जब तक चित्त में रज गुण की मात्रा बड़ी होती है, या तो चित्त विक्षिप्त अवस्था में बहुत चंचल रहता है, या फिर क्षिप्त अवस्था में बहुत चंचल रहता है, मूड में वो तम प्रभावी रहता है तो उसमें किसी प्रकार की चंचलता होती नहीं है। जब ऐसे ही चित्त की एकाग्र अवस्था आती है तो वो व्यक्ति निश्चल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि एकाग्र अवस्था सतगुण के आने से आएगी और सतगुण से भी जब विरक्ति हो जाती तो निरुद्ध हो जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने तम को, रज को शांत करना होता है और सतों को उनके ऊपर कमांड करने के लिए रखना होता है। जैसे ही सतो हमारा कमांड करने लगता है या सतो हमारा सिद्ध हो जाता है, वैसे ही हम एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु एकाग्र अवस्था में पूर्ण रूप से निरोध नहीं होता है, इसके लिए निरुद्ध अवस्था में जाना पड़ेगा। जैसे ही चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होंगी वो तभी होंगी जब आपकी सतगुण से भी विरक्ति होकर के आप निरोध अवस्था में आ जाएंगे। एकाग्र के बाद जो निरुद्ध अवस्था है वो प्राप्त हो जाएगी, उसके चित्त की चंचलता अपने आप नष्ट हो जाएगी। इससे साधक विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है। विरक्ति क्या है? जग सांसारिक विषय भोग की वस्तुओं के प्रति आसक्ति का अभाव ही विरक्ति है। विरक्ति का मतलब है जब व्यक्ति इन सांसारिक विषय भोग की वस्तुओं को क्षण भंगुर मानना शुरू कर दे और कहे कि ये संसाधन नहीं है, भोग का साधन नहीं है, ये एक प्रकार से जीवन मरण के बंधन में बंधने का एक अनुराग है जिसको हमें छोड़ना है, तो उसे जब राग से विमुक्ति हो जाए तो विरक्ति कहलाती है। जिससे एकाग्र चित्त अवस्था में स्थित योगी साधक अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त करता है, अर्थात अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तो जब साधक अपनी आत्मा में संतुष्ट कब होगा? जब वो आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम पद को प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ परमानंद की बात है, परम पद की बात है। परमानंद और परम पद क्या है? आनंद तो आप एकाग्र अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परम आनंद की अवस्था जो है वो आपको निरुद्ध अवस्था में ही प्राप्त होगी। जैसे जो पद है, कोई भी पद आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन परम पद कब प्राप्त होगा? परम पद यानी कि सर्वश्रेष्ठ पद, यानी कि परमात्मा के पास जाने की बात। तो परमात्मा के पास जाने की बात कब सिद्ध होगी? जब आपकी सभी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, उनका निरोध आप कर पाएंगे। अब इसमें ध्यान योग का फल बताया है। अब ध्यान योग का फल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। कहा यत्र, जब अयम यह योगी बुद्धि ग्राह्यम बुद्धि द्वारा ग्रहण करता है, अतिन्द्रियम अपनी इंद्रियों के विषयों से दूर होता है, आत्यंतिक अत्यधिक या सर्वाधिक यत सुखम जो सुख है तदवेति ही उसका अनुभव करता है, एव च स्थित है और जिस अवस्था में स्थित होने से तत्वतः वास्तविक स्वरूप से न चलती कभी भी विचलित नहीं होता है। कहा जब योगी साधक अपनी इंद्रियों से उनके विषयों को ग्रहण न करके अपनी बुद्धि द्वारा ग्रहण करता है तब उसे आत्यंतिक अर्थात कभी भी समाप्त न होने वाले सुख की प्राप्ति होती है। इस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करने के बाद साधक को तत्व ज्ञान यानी कि जो वास्तविक स्वरूप होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, उसकी प्राप्ति होती है, जिससे वह कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होता है। तो जब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता है तब कब होती है ये सिचुएशन? जब तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो बात कही गई है, जैसे कहा ना
योग दर्शन में कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही क्या है, योग है। तो योग की जब योग सिद्ध हो जाए तो उसके बाद कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद साधक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो उसका उसकी वास्तविक स्थिति होती है, और नहीं तो वो व्यक्ति जैसी वृत्ति होती है वैसी ही वो अपने आप को समझने लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की यहां बात की गई है, तो माने योग सिद्ध होने के बाद की इस श्लोक में बात की गई। इसके बाद 22वें श्लोक में कहा यह लब्धा यम लब्धा चापरम लाभ है मन्यते नाधिन नाधिकम ततः यस्मिन अस्तितो न दुखेन गुरुणामी गुरुणापि विचालयते। कहा यम च लब्धा योग के अभ्यास से प्राप्त सुख के बाद अपरम लाभम दूसरे लाभ को तत उससे अधिकम अधिक या ज्यादा न मन्यते नहीं मानता है यस्मिन स्थितो जिस अवस्था में स्थित होने पर गुरुणः बड़े दुखेन अपि बड़े से बड़े दुख से भी न विचालयते विचालयत विचलित नहीं होता है। मतलब कहा कि जिस प्रकार ध्यान योग से प्राप्त होने वाले आत्यंतिक सुख के लाभ को प्राप्त करने के बाद साधक को उससे बड़ा अन्य कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। जब आप एक सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, बड़े से बड़ी हाइट को आप प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद छोटी जो हाइट होती है या छोटा जो लाभ होता है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने सर्वोच्च लाभ को प्राप्त कर लिया है। तो कहा कि जब ध्यान योग से प्राप्त होने वाले आत्यंतिक सुख के लाभ को प्राप्त करने के बाद साधक को उससे बड़ा अन्य कोई सुख नहीं दिखाई देता है, इस अवस्था में आने पर योगी के को बड़े से बड़ा दुख भी विचलित अथवा दुखी नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक ऐसी हाइट पे पहुंच गए, ऐसी समत्वम भाव में पहुंच गए जहां सुख और दुख दोनों ही आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। आप सम स्थिति में पहुंच गए हैं, सम अवस्था में पहुंच गए हैं, और वो सम अवस्था सुख और दुख से परे की अवस्था है, यानी कि सुख और दुख दोनों का जहां पे अभाव हो जाता है, आप परम आनंद की आनंद अनुभूति में चले जाते हैं, तो वहां पर कोई दुख आपको दुखी नहीं कर पाता, और सभी दुखों से छूट जाना, दुखों को दूर करना ही हमारा लक्ष्य होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 23वां, योग की परिभाषा। तम विद्यात दुख संयोग वियोग है योग संजितम स निश्चयेन योग वक्त योग निर्वीण चेतसः। ये योग की परिभाषा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही, तम इस दुख संयोग वियोग है, वियोगम दुख के संयोग से रहित अवस्था को योग संचितम विद्याद योग के नाम से जानना चाहिए। स योग है वह योग अनिवृण चेतसः अवसाद से रहित चित्त द्वारा निश्चयन निश्चय के साथ योग वक्त है, करना ही योगी का कर्तव्य है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या बात कही, इसको योग की परिभाषा, ये 6 अध्याय का 23वां श्लोक है जिसको योग की परिभाषा के रूप में माना गया है। इससे पहले भी 2 श्लोक हैं जिनको योग की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है 2 अध्याय का 48वां जिसमें कहा समत्वम योग उच्यते, दूसरा है 2 अध्याय का ही 50वां श्लोक योग कर्मशु कौशलम, और तीसरा जो श्लोक है वो है 6 अध्याय का 23वां श्लोक जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं। तो कहा दुख के संयोग से रहित अर्थात सुख स्वरूप अवस्था को ही योग के नाम से जानना चाहिए। योगी का यह कर्तव्य है कि इस योग का अभ्यास अवसाद रहित चित्त के साथ वह पूर्ण निश्चय अथवा मनोयोग के साथ करें। तो यहां क्या कहा कि दुख के संयोग से रहित है, यानी दुख का संयोग यानी कि दुख का जो साथ होता है उससे रहित जो अवस्था होती है उसको सुख स्वरूप कहा गया है, और इसी को योग के नाम से जानना चाहिए। माने सुख स्वरूप अवस्था यानी दुख का जहां पे समावेश ना हो, दुख से पूरी तरह से जो रहित है, वो अवस्था ही योग को के नाम से जानना चाहिए। उस अवस्था को योगी का यह कर्तव्य है कि इस योग का अभ्यास अवसाद रहित चित्त के साथ वह पूर्ण निश्चय और मनोयोग के साथ करें। तो जब व्यक्ति पूर्ण मनोयोग और निश्चय के साथ योग का अभ्यास करता है तो उसकी दुख के संयोग से रहित उसकी अवस्था होती है जिसको सुख स्वरूप कहा गया है, ये योग की परिभाषा है। तो इसको तीसरी परिभाषा के रूप में याद रखें। 6 अध्याय का 23वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए। तो इस व्याख्यान में इतना ही, आगामी व्याख्यान में अन्य श्लोकों का पाठ हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।